हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा हाथ में आप देख सकते हैं ये ओप्पो का मोबाइल है। तो इसका CPH यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका CPH है 2239-2239। इसका CPH है ओप्पो A54 मोबाइल जो है, ओप्पो A54 मोबाइल है। तो यहाँ से मैं आपको इसका स्टार है 899 है, यहाँ पे आपका इसका CPH भी देख सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन में आने के बाद आप यहाँ से CPH इसका जो है आप देख सकते हैं 2239 CPH है, और मॉडल जो है A54 मॉडल है। तो चलिए फ्रेंड, इसको आज हम अनलॉकिंग करेंगे एक लेटेस्ट टूल में जो है, इसमें आज अनलॉकिंग करेंगे। और ये MTK CPU है। तो ये जो टूल है फ्रेंड, मैं ये टूल को यहाँ से ओपन करता हूँ। तो ये इस टूल का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो का देख के आपको टूल को इंस्टॉल कर लेना है। तो ये जो टूल है, आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ID पासवर्ड लगा रहेगा, आपको सिंपली लॉगिन करना है। तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे ये टूल ओपन हो जाएगा, इस तरफ ओपन हो जाएगा, मतलब थोड़ा आपको वेट करेगा फिर ओपन हो जाएगा। अभी ये टूल में ओपन होने के बाद आपको MTK टैब में आ जाना है। तो मैं यहाँ से डिवाइस मैनेजर ओपन करता हूँ और MTK टैब पे आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले ब्रांड सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जो है ओप्पो का मोबाइल है, ओप्पो मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से मैंने इसका मॉडल जो है A54 मॉडल है, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको वॉच में चेक रहने देना है, फिर आपको स्टार्ट कर देना है। तो आप जैसे स्टार्ट कर देंगे, सबसे पहले आपको इसमें ऑथ बाईपास करना है। तो स्टार्ट करने के बाद इस तरह इंटरफेस आएगा। तो अभी आपको वॉल्यूम जो अप डाउन है, वॉल्यूम अप डाउन को दबा के USB केबल लगाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन को दबा के USB इसका जो डाटा केबल है लगा देता हूँ। तो ये फ़ोन ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको वॉल्यूम अप डाउन दबा के ये डाटा केबल जैसे ही लगाएंगे, फ़ोन ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो ऑथ है, ऑथ बाईपास हो चुका है। ऑथ बाईपास होने के बाद आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है फॉर्मेट FRP फैक्ट्री रीसेट, तो वहाँ पे आपको चेक लगा के फिर से आपको स्टार्ट कर देना है। तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे फिर से आपका जो भी फ़ोन में पिन, पैटर्न, पासवर्ड, FRP लॉक सारा ये रिमूव हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा रीड करके, ये जो भी पिन, पैटर्न, पासवर्ड, FRP जो भी लॉक लगा हुआ था ये सारा ये हट चुका है। तो ये आप देख सकते हैं ये फाइल पूरा डन हो चुका है। तो चलिए हम USB केबल को यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये USB केबल को हम यहाँ से निकाल के फ़ोन को ऑन करते हैं। जो हमारा फ़ोन में पैटर्न पिन लॉक लगा था, तो वो हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ, तो फ़ोन को मैं ऑन कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से आपका पूरा ये डाटा फॉर्मेट हो चुका है। और इसी वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टूल मिल जाएगा, इस वीडियो का टूल मिल जाएगा। तो वो वीडियो देख के आपको वो टूल को इंस्टॉल कर लेना है। और ये विंडोज 10 में वर्क करेगा, विंडोज 7 में ये नहीं चलेगा ये टूल। तो चलिए मोबाइल को ऑन होने देते हैं। तो यहाँ पे फ़ोन ऑन हो रहा है। तो हमारा जो इस पर FRP लॉक था वो हमने सारा वहाँ पे टूल पे निकाल दिया। तो अभी FRP लॉक पूछ रहा है क्या, यहाँ पे चेक करेंगे। तो सेटअप कर लेंगे फ़ोन को। तो यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ हमारा कंट्री चूज़ कर लेना है। कंट्री चूज़ करने के बाद फिर से नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमको वाईफाई मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे हम वाईफाई भी कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम वाईफाई भी कनेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारा FRP लोग वहाँ पे हम उड़ा दिए थे, तो वो हमारा FRP है नहीं है अभी पता चल जाएगा। तो वो वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये थोड़ा आपको टाइम लेगा, तो मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिया हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है। तो यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ आपको फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है, आपको सेटअप कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप FRP जो है स्किप का ऑप्शन आ चुका है, तो हम यहाँ से स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे फिर से आई एग्री पे चेक लगाएंगे, फिर से हम नेक्स्ट कर देंगे। तो सेटअप है, नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अगर सेटिंग करेंगे तो यहाँ पे लॉक पूछेगा, तो हम यहाँ से लेटर कर देंगे। तो फिर से यहाँ पे लेटर कर देना है, फिर से नेक्स्ट कर देना है, फिर से लेटर करना है आपको। तो ये फिर से सेटअप कर देना है, ओके। तो ये आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन में जो भी था पिन, पैटर्न, पासवर्ड सारा रिमूव हो चुका है, और साथ में इसका FRP भी जा चुका है। तो फ्रेंड, वो वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में टूल मिल जाएगा, वो टूल को आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है।